दोस्तों, अगर आप कुछ दिनों के लिए फेसबुक से ब्रेक लेना चाहते हो, यानी कि कुछ दिनों के लिए फेसबुक अकाउंट को बंद करना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फेसबुक अकाउंट को टेम्पररली डीएक्टिवेट कर सकते हो। टेम्पररली डीएक्टिवेट करने के बाद आपका फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक अकाउंट कहीं पे भी फेसबुक में शो नहीं होगा और बाद में कभी भी आप अपने प्रोफाइल को वापस से रीएक्टिवेट भी कर सकते हो। तो कुछ दिनों के लिए फेसबुक अकाउंट से ब्रेक लेने के लिए, यानी कि कुछ दिनों के लिए आप फेसबुक ऐप को यूज नहीं करना चाहते हो, तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए सिंपली आप फेसबुक ऐप ओपन कर लोगे इस तरीके से। फेसबुक ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ से मेन्यू में आ जाना है। फेसबुक के मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे सामने सेटिंग दिखाई देता है मेन्यू के सामने। वैसे आप सेटिंग में यहाँ से भी आ सकते हो, नीचे स्क्रॉल करोगे सेटिंग एंड प्राइवेसी पर टैप करना है और यहाँ से सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद अकाउंट सेंटर ये दिखाई देगा, इस पर टैप करना है और यहाँ से अब आपको अकाउंट सेटिंग के नीचे पर्सनल डिटेल ये दिखाई देगा, इस पर टैप करना है। अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल, इस पर टैप करना है और अब यहाँ पे आपको डीएक्टिवेशन और डिलीशन दिखाई देगा, इस पर टैप करना है। अपने फेसबुक प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लेना है जिसे आप डीएक्टिवेट करना चाहते हो। तो यहाँ पे अब आपको दो ऑप्शन मिलेगा, डीएक्टिवेट अकाउंट जो कि टेम्पररी होता है, डीएक्टिवेट करने के बाद आप कभी भी अपने अकाउंट को लॉगिन करके रीएक्टिवेट कर सकते हो, और बाकी डिलीट अकाउंट मिलता है जो कि परमानेंट होता है। डिलीट करने के बाद केवल 30 डेज तक आप अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हो, उसके बाद आप अपने अकाउंट को कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे, परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो मुझे टेम्पररी ब्रेक लेना है तो इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर लूंगा, तो मेरा फेसबुक पेज और अदर प्रोफाइल्स जो भी बना हुआ है वो भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है। अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड इंटर कर देना है, अगर पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगॉट पासवर्ड पे टैप करके पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हो। पासवर्ड मुझे याद है, इंटर करके कंटिन्यू कर देता हूँ। पासवर्ड इंटर कर दिया है, कंटिन्यू पे टैप करना है। अब यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट कर लेना है कि क्यों आप ब्रेक लेना चाहते हो कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा दिस इज टेम्पररी, आई विल बी बैक, नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है। अब आपको अगेन नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे अब आपको एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलता है, ऑटोमेटिकली रीएक्टिवेट माई अकाउंट। तो अगर आप चाहते हो कि आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली कुछ दिनों बाद रीएक्टिवेट हो जाए, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो 1 day to 7 day, कोई भी एक डे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली रीएक्टिवेट ना हो, जब मैं अकाउंट को लॉगिन करूं तब रीएक्टिवेट हो, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है, डू नॉट रीएक्टिवेट ऑटोमेटिकली, और डन कर लेना है और यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और डीएक्टिवेट माई अकाउंट, इस पर टैप कर देना है। इतना करने के बाद आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, हर डिवाइसेस से लॉग आउट हो जाएगा और कभी भी अकाउंट को रीएक्टिवेट करने के लिए बस आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर लोगे लॉगिन पेज पे जाके।